कि आज जो राजनीति में जो छवि बनी हुई है नेपोटिज्म की, और किस पार्टी में बनी है, और किसके लिए ये लाइन बोली जा रही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? वो राज करते आ रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो राज करते आए हैं, है ना। और लेकिन अगर उनमें टैलेंट होता तो उन्हें मौका मिलता। उनके उनकी दादी ने भी राज किया, उनके पिताश्री ने भी राज किया, सभी ने राज किया, लेकिन अगर उनमें टैलेंट होता तो उन्हें भी मौका मिलता ना, है ना। और जैसे अपन ने बात की अब कि छोड़ देते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है जनता कोई पार्टी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं चुनती है, वहाँ के फेस को चुनती है। अब जैसे सिंधिया जी ने दल बदला, तो बाद में उपचुनाव हुए, वहाँ से 22 विधायक गए थे, तो कुछ उनमें जीत के भी आए, तो मेरे को नहीं लगता वो कांग्रेस के कारण जीते थे, वो अपने प्रतिनिधि उनके कारण जीते थे, व्यक्ति के उसके कारण। तो नहीं तो अगर ऐसा होता कांग्रेस के कारण जीतते तो दोबारा स्टेट में वो बीजेपी की सरकार नहीं आ। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को व्यक्तियों के ऊपर देख के वोट देना चाहिए, ना कि पार्टी पे, है ना। तो ये अभी आपने जैसे कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसके पास टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी। लेकिन अगर राजा के बेटे के पास टैलेंट है तो सिर्फ वो राजा का बेटा है, इसकी वजह से वो राजा क्यों ना बने? कोई दिक्कत नहीं, अगर टैलेंट है उसके पास तो कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन आप ये जानते हैं कि आज जो राजनीति में जो छवि बनी हुई है नेपोटिज्म की, और किस पार्टी में बनी है, और किसके लिए ये लाइन बोली जा रही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? वो राज करते आ रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो राज करते आए हैं, है ना। और लेकिन अगर उनमें टैलेंट होता तो उन्हें मौका मिलता। उनके उनकी दादी ने भी राज किया, उनके पिताश्री ने भी राज किया, सभी ने राज किया, लेकिन अगर उनमें टैलेंट होता तो उन्हें भी मौका मिलता ना, ऐसा तो मौका तो मिला था दो बार जो है, तो 2004 से 14 तक मौका था, बैठा देते स्टैंप बना के। लेकिन कैसे बैठा देते, भी थे। काबिलियत भी तो होनी चाहिए। उन्हें पता है कि ये पीएम की कुर्सी पर बैठ के कुछ कर नहीं पाएंगे। आज हम भी अगर उनके भाषण सुनते हैं ना, तो मैं सुनता हूँ ना, मैं सिर्फ पता कब सुनता हूँ, जब थोड़ी सा दुखी रहूंगा ना, तो कॉमेडी के रूप में उसको सुनता हूँ मैं उनके भाषण सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। ये चीज अभी ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे ही कुछ निकला था ना, एक वीडियो वायरल हुआ था उनका कि हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, और फिर बोल रहे थे हमें अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए।